तो नोइंग आर नंबर के पार्ट वन में हमने सीखा था कि नंबर्स और डिजिट्स में क्या रिलेशन होता है, और अब हम इन्हीं नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। मतलब कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? तुलना करना किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, या दो से अधिक चीज़ें, अधिक मतलब दो से ज़्यादा चीज़ें अगर दी हुई है तो उनको हम आपस में कैसे कंपेयर करेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? कंपेयरिंग नंबर्स। तो यहाँ हम किसको कंपेयर करेंगे? नंबर्स को। जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं या दो से ज़्यादा नंबर्स दिया हुआ है, और आपको बोल दिया है कि इसमें आप ग्रेटर नंबर बताओ या स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? नंबर्स को कंपेयर करके। तो देख लेते हैं। As we have done quite a lot of this earlier, let us see if we remember which is the greatest among this. तो इसमें क्या बोला है कि हमने ऐसे questions quite earlier, मतलब पहले भी किए हुए हैं। अब पहले कब किए हैं? तो हमने अपने previous classes में, जैसे fourth और fifth classes में हमें बताया गया है कि smaller number और greater number क्या होता है, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कौन से नंबर्स ग्रेटर है, ये हमको इसमें बताना है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के। अगर नंबर्स को आप कंपेयर करना चाहते हो तो हमें कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। तो पहले वो रूल्स समझ लेते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है? कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब नंबर्स की तुलना करना। तो नंबर्स की तुलना करने से पहले हमें क्या समझना होगा कि हम नंबर्स की तुलना करेंगे कैसे, मतलब वो रूल क्या है जिससे हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर। तो देखो यहाँ ये है हमारा रूल वन, वो क्या कहता है? नंबर्स विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर देन नंबर्स विथ लेस डिजिट। अब इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर में डिजिट्स की संख्या ज़्यादा होती है वो क्या होता है? ग्रेटर। मतलब मान लो आपके पास 2 और 5 है, तो इसमें डिजिट्स की संख्या कितनी है? 2। पहला है 2 और दूसरा है 5। उसी तरह नंबर्स विथ लेस डिजिट्स, जिस नंबर में डिजिट्स कम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे स्मॉलर नंबर। तो इसमें क्या याद रखना है? नंबर्स में जब डिजिट ज़्यादा होती है तो वो नंबर ग्रेटर होता है, और नंबर्स जब कम डिजिट से मिलके बनी होती है तो वो नंबर क्या हो जाता है? हमारा स्मॉलर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 215 और 81 दिया है, और यहाँ पे दिया है 999 और 99। तो अब अगर आप देखोगे तो 215 में कितने डिजिट्स हैं? 3। और 81 में कितने डिजिट्स हैं? 2। तो 3 डिजिट का नंबर बड़ा है या 2 डिजिट का नंबर? ऑब्वियसली 3 डिजिट वाला नंबर अपना बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे 999 और 99, तो 999 कितने डिजिट्स का है? 3 डिजिट्स का। और 99 कितने डिजिट्स का है? तो 2 डिजिट्स का। तो 3 बड़ा हुआ या 2? ऑब्वियसली हमारा 3 बड़ा हुआ। तो यही बोला है कि जिस भी नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? ग्रेटर हो जाता है, और जिस नंबर में डिजिट्स कम होते हैं वो क्या हो जाता है? हमारा स्मॉलर नंबर हो जाता है। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लो डिजिट्स आपको बराबर दे दिया है, इस साइड भी 4 डिजिट दे दिया है और दूसरे साइड भी 4 डिजिट दे दिया है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? तो ऐसे में हम अप्लाई करते हैं अपना रूल नंबर 2। और ये रूल क्या कहता है कि इफ़ 2 नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट, मतलब दोनों नंबर में जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे उन नंबर्स के लेफ्ट साइड से। मतलब जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 341,324, और यहाँ पे दिया है 341,323। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे भी 6 डिजिट है और यहाँ पे भी 6 डिजिट्स हैं। तो अब हमें बताना है कि दोनों में से
कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि दोनों के डिजिट्स तो बराबर हो गए, तो अब हमें पता करना है कि कौन से नंबर्स बड़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो अब इस नंबर का लेफ्ट साइड कौन सा है, यहाँ से। तो देखो इस नंबर के लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, तो 3, और इस नंबर के लेफ्ट साइड में कौन सा है, 3। तो दोनों डिजिट्स तो बराबर हो गए, मतलब सेम हो गए। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, उसके अगले नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 3 के बाजू में क्या है, 4। अब इसको हम लोग करेंगे इस नंबर के अगले नंबर से, वो है 4। तो यहाँ पे भी 3 और 4, यहाँ पे भी 3 और 4, दो डिजिट्स तो हम लोग को सेम मिल गए। तो अब क्या करेंगे, अब 4 के बाजू में जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है अपना 1, और यहाँ पे भी हमको मिल गया 1। अब ये भी बराबर हो गया। तो ऐसे में फिर हम उसके अगले नंबर पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 के बाजू में है 3, यहाँ पे भी 1 के बाजू में है 3। तो यहाँ पे तो 4 डिजिट तक तो हमको सेम मिलता गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप दूसरे नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये डिजिट है 2, और यहाँ पे ये डिजिट आ गया 2। अब दोनों डिजिट्स बराबर हो गए। तो अब देखोगे कि पांचों डिजिट्स हमको सेम मिल रहे हैं। तो अब हमारे पास बचा एक लास्ट डिजिट, अब उसको कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको मिल रहा है 4, और यहाँ पे आ रहा है 3। अब 4 और 3 दोनों में से ग्रेटर कौन सा होता है, तो हमारा 4। तो अगर आप ये नंबर्स को गौर करोगे तो भले ही पांचों डिजिट्स बराबर हैं, लेकिन अपना जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो जा रहा है, एक ग्रेटर हो जा रहा है। मतलब इस नंबर का 6th डिजिट जो है वो ग्रेटर है। तो ऐसे में कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 341,324 ग्रेटर हो गया। और ये है हमारा ग्रेटर नंबर का साइन, एंगल जिसके तरफ खुला रहता है वो नंबर ग्रेटर हो जाता है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, 9,207 एंड 9,205। तो यहाँ पे देखो ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर इट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इस नंबर का लेफ्ट साइड क्या है हमारा, 9, और इस नंबर का लेफ्ट साइड भी 9। अब दोनों लेफ्ट साइड तो सेम हो गए, तो अब क्या करेंगे, हम उसका अगला नंबर देखेंगे। तो यहाँ देखो 9 के बाजू में आ रहा है 2, और यहाँ पे भी 9 के बाजू में आ रहा है 2। तो ये भी नंबर्स बराबर हो गए। तो ऐसे में अब उसका अगला नंबर देखेंगे। तो देखो 2 के बाजू में आ रहा है 0, और इधर 2 के बाजू में आ रहा है 0। तो अब 3 डिजिट्स तो बराबर ही हो गए। तो अब हमारे पास बचा एक लास्ट डिजिट, अब उन लास्ट डिजिट को कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 7, और यहाँ पे है हमारा 5। तो अब 7 बड़ा है या 5, ऑब्वियसली 7 बड़ा है। तो देखो 4 डिजिट के इस नंबर में एक लास्ट डिजिट से हमको पता चला कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो 9207 ग्रेटर है 9205 से। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर नंबर्स में डिजिट्स बराबर हो जाती है, सेम हो जाती है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लेफ्ट साइड से कंपेयर करते रहेंगे जब तक कि हमको कोई एक नंबर ग्रेटर या स्मॉलर नहीं मिलता। अगर आपको डिजिट्स बराबर मिलते जाते हैं तो उनके बाजू वाले डिजिट्स को कंपेयर करते रहिए तब तक जब तक आपको कोई एक डिजिट बड़ा या छोटा ऐसा नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे देखो हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं, और उनमें बोला है कि बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हमने रूल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे कि जिस भी नंबर्स में डिजिट्स ज़्यादा होती हैं वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, ग्रेटर। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, किस नंबर में डिजिट ज़्यादा है, तो 89,742 में। कैसे, ये देखो 92, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2। 392 में कितने डिजिट्स हैं, 3। 4,456 में कितने डिजिट्स हैं, 4। और 89,742 में कितने डिजिट्स हैं, तो 5।
तो 2, 3, 4, 5 कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर हुआ, तो 5। तो इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर जाएगा, 89,742 हमारा ग्रेटर नंबर हुआ। कैसे, जिसमें डिजिट्स की संख्या ज़्यादा हो वो नंबर हमारा ग्रेटर कहलाता है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ देखो चारों नंबर्स में डिजिट्स कितने हैं, 4। तो दूसरे रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, अगर नंबर्स में डिजिट्स की संख्या बराबर होती है तो हम लोग कंपेयर करते हैं उसके लेफ्ट साइड को, ठीक है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड को कंपेयर करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि देखो इसके लेफ्ट में आ रहा है 1, इसके लेफ्ट में आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 9, यहाँ आ रहा है 9 और यहाँ पे भी 9। तो ऐसे में पहले के दो नंबर्स को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसको अब कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारा स्मॉलर हो गया। अब बचे 3 नंबर्स, तो इनको देखते हैं, इसमें है 9, 9, 9। तो जब तीनों नंबर्स में स्टार्टिंग का डिजिट लेफ़्ट साइड से बराबर है तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसके अगले नंबर को कंपेयर करेंगे। तो 9 के बाजू में इधर क्या है, 2, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 2। तो अब देखो ये दो नंबर्स तो सेम दिख रहे हैं डिजिट्स में, यहाँ पे 9 के बाजू में आ गया 0, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब बचे ये और ये, अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो 9,201, 9,210, तो हमने 9 और 9 तो बराबर मिला, फिर 2 और 2 भी बराबर मिला। तो ऐसे में क्या करते हैं, अब तीसरे डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ का तीसरा डिजिट आ रहा है 0 और यहाँ पे तीसरा डिजिट आ रहा है 1। तो अब 0 बड़ा या 1, 0 और 1 में बड़ा कौन हो गया, 1। तो यहाँ हमको पता चल गया कि 9,210 क्या है, इन चारों नंबर से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया कि इफ़ नंबर्स हैव सेम डिजिट्स तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो यहाँ देखो एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड क्या करना है, ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे भी हम लोग उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देख लो, यह है 4,536, दूसरा है 4,892, फिर है 4,370, फिर 4,452। तो अगर आप देखोगे तो इन नंबर्स की जो डिजिट्स हैं वो क्या है, सेम। तो रूल क्या बनता है कि इफ़ द डिजिट्स आर सेम इन द नंबर्स देन यू हैव टू कंपेयर द नंबर्स फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो इसके लेफ्ट साइड में 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, चारों 4 हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप दूसरे नंबर पे जाएंगे। तो यहाँ देखो इसके दूसरे नंबर पे आता है दूसरा डिजिट, आई मीन 5, इसका दूसरा डिजिट है 8, इसका दूसरा डिजिट है 3 और इसका दूसरा डिजिट है 4। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, हमें तो यहीं मिल गया। तो 5, 8, 3 और 4, इसमें से बड़ा कौन सा है, तो जिसमें 8 आ रहा है। तो हमारा इन चारों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 4,892। तो सिमिलरली बी और सी और डी हम लोग इसी बेसिस पे करेंगे। पहले देखेंगे कि डिजिट्स में कौन से नंबर्स में डिजिट ज़्यादा है और कौन से नंबर्स में डिजिट कम है। अगर वो रूल नहीं बनता तो अगर क्या होता है कि नंबर्स में डिजिट्स बराबर हो जाती है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करके नंबर को पता लगाओगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे का हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।